क्या कमाएंगे, 100 रुपया 150 रुपया कमाई होता है, 4 गो बाल बच्चा है। और क्या, कभी होता है 75 रुपया, कभी 100 रुपया होता है, कभी 150 रुपया होता है। क्या लगता है, देश में कोरोना की दूसरी लहर अपना पांव पसार लिया है, फिर से लॉकडाउन वाली स्थिति सामने आ रही है। रोजमर्रा की जिंदगी बिताने वाले मजदूर रिक्शा चालक को अपने पुराने दिन की याद आने लगी है, फिर उन्हें लग रहा है वैसे ही होने वाला है जो पिछले लॉकडाउन के दौरान हुआ था। उन्हें भुखमरी की याद अभी से ही सताने लगा है। रिक्शा चालकों के आगे रोजी रोटी का संकट अभी से ही मंडराने लगा है। किसी की तरह पिछले साल की आर्थिक तंगी से अब तक उभर नहीं पाए हैं, फिर से लॉकडाउन वाली स्थिति सामने आकर खड़ी हो गई है। ऐसे में परिवार का भरण पोषण करने के साथ साथ पिछले वर्ष के कर्ज कैसे चुकाया जाए। 100 रुपये से 150 रुपये कमाने वाले रिक्शा चालक अब चिंतित नजर आ रहे हैं। पिछले बार जब कोरोना का प्रकोप बढ़ा था तो आम जनों पर इसका प्रभाव काफ़ी पड़ा था। लॉकडाउन में सब घरों में सिमट गए थे, सिर्फ सड़कें सुनी थी। कहीं ना कहीं सबसे तकलीफ़ में रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वालों की थी। फिर एक बार कोरोना का दूसरा लहर जो है दस्तक दे दिया है, इसको लेकर अब लोग घर से बाहर निकलना बंद कर दिए हैं। लोगों में डर सा आ गया है कि कोरोना कहीं फिर जो है एक बार अपना कहर बरपा न दे। ऐसे में सवाल उठता है रोज़मर्रा के जीवन यापन करने वाले मजदूरों का, उनका जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो रिक्शा चालक हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग जो है कितना डेली कमा लेते हैं और इन लोगों का जो जीवन यापन जो है कैसे चलता है। बताइए क्या नाम हुआ? राजकुमार पासवान। राजकुमार पासवान, पासवान क्या कर रहे, रिक्शा चलाते हैं? कब से चला रहे हैं? रिक्शा 5-7 साल से चला रहे हैं। अच्छा जी। कितना कमा लेते हैं? 250 रुपया 150 रुपया कमा, जिस दिन का जैसा बाजार है वैसा कमा लेते हैं, उसी में अपना टूट फूट के चल रहे हैं। कितने बच्चे, बच्चे उच्चे हैं? कितने बच्चा है? 4 और एक छोटा सा, 5 लेकर, छोटा लेकर 5 बच्चे जी। अगर लॉकडाउन फिर से अगर लग गया, आपकी कोई बीमारी बढ़ रहा है तो फिर स्थिति वही पिछले साल की तरह हो जाएगी, तो क्या कीजिएगा, क्या मांग रहेगा आप लोग? क्या तो सरकार से हम लोग अपील करेंगे, जो भी करेंगे तो सरकार से अपील करेंगे। आदमी है उतना कहाँ टाइम मिलेगा, थके हुए रहते हैं, अपना सो जाते हैं। चलिए और भी लोग, और भी रिक्शा चालक हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। चाचा कब से रिक्शा चला रहे हैं? अरे भैया हम तो ठेला खींचते हैं। ठेला खींचते हैं, अब रिटायर हो गए रिक्शा चला रहे हैं। ओ, रिटायर हो गए रिक्शा चला रहे हैं। क्या अगर लॉकडाउन लगेगा तो फिर क्या स्थिति होगा? कितने बच्चे हैं, कैसे? बाल बच्चे सब, पोता पोती है 10-15 को। और अच्छा बच्चे लोग भी रिक्शे ठेला चलाता है, सब रिक्शे ठेला चलाता है। अगर बंद हो जाएगा तो रोज़मर्रा के एक तरह से कामकाज ठप हो जाएगा, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मजदूरी देंगे और क्या कहना चाहेंगे, सरकार मजदूरी देंगे और नहीं देंगे तो हमको कोई रोजगार दें। कब से रिक्शा चला रहे हैं? हो गया ना कहें 30-40 साल हो गया, 40 साल से रिक्शा चला, कोई रोजगार नहीं। पिछले बार अगर लॉकडाउन लगा था तो क्या प्रभाव पड़ा था उसका? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। सरकार तो मतलब भोजन दे रही थी, चावल दे रही थी, सब चीज़ अनुदान तो मिल रहा था, और फिल्में भी बस चल भोजन दिए थे, भोजन हाँ। कर रहे थे। लेकिन फिर वही अगर सीन दोहराया जाए, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है, आप लोग भी मास्क लगाइए, बढ़ रहा है तो क्या किया जाए? तो हम लोग तो भाई मजदूरी करते हैं तो मुँह में झाँक ही चलते हैं। ये मजदूर थे जिनका कहना है कि अगर कोरोना का जो है प्रकोप लगातार अगर इसी तरह बढ़ता चला जाए तो इन लोगों का जीवन काफ़ी दर्दनाक हो जाएगी। इन लोगों का जो दैनिक मजदूरी है वो करना काफ़ी दुर्लभ हो जाएगा, और ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए और इन मजदूरों को लेकर, क्योंकि न जाने इन मजदूरों की हालात लॉकडाउन के दौरान कैसे हो जाता है। समस्तीपुर से कशिश के लिए मंटुन कुमार।